अब पिछले 4 दिनों से एक मुसव्वरी ने ऐसा सोशल मीडिया पे दौराम मचाया है कि हर जगह सिर्फ यही मुसव्वरी। अगर मेरे कायद के साथ साथ मुझे ये भी पता होता कि बनाने वाले ने एक अच्छे कॉज के लिए और मेरे सामने इस तरह खर्च करने थे तो शायद मैं करोड़ों भी बनता। लेकिन जब मैंने देखा कि उनका एक अच्छा कॉज भी है तो मुझे एक लेने की चाहत भी, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि ये तस्वीर उन्होंने एक अच्छे पैसों में दे दी, मैं तो ज़्यादा महंगी खरीदने की सोच रहा था। मैंने ये तस्वीर देखी थी आज से कोई साल पहले शायद, मैंने अपने कज़न की ड्यूटी लगाई कि मुझे पता करवा के दो ये पिक्चर किसके पास है, इसी मेरे चाहने वाले ने पहले से मुझे तोहफा ये भेज दिया। मेरी ये कायद है, मेरी ये लीडर हैं, तो ये पैसों की बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुद्दा बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। अब पिछले 4 दिनों से एक मुसव्वरी ने ऐसा सोशल मीडिया पे दौराम मचाया है कि हर जगह सिर्फ यही मुसव्वरी। आखिर ये मुसव्वरी किसके पास अभी मौजूद है, किसने खरीदी है और क्यों खरीदी है? अभी ये घर में मौजूद है और ये घर है फैसल अयूब खोखर साहब का। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का बहुत एहसान। सर रात में मैंने आपकी ट्वीट देखी जिसमें आपने मरियम साहिबा की तस्वीर लगाई, तो सर ये तस्वीर पहले तो सोशल मीडिया की बड़ी ज़्यादा इसने दोहराम मचाया, इस बारे में बताएं। देखें जी, मैंने ये तस्वीर देखी थी आज से कोई साल पहले शायद, उसके बाद ये सोशल मीडिया से गायब हो गई और 2 दिन पहले मैंने ये देखा कि किसी ने एक वीडियो पोस्ट की हुई थी इस बारे में कि अभी तक किसी ने खरीदी नहीं। तो मरियम साहिबा के तो चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं तो मैं तो परेशान हो गया, तो फिर मैंने अपने कज़न की ड्यूटी लगाई कि मुझे पता करवा के दो ये पिक्चर किसके पास है, मुझे ये ख़रीदनी है। तो कल मैं जब घर पहुंचा तो किसी मेरे चाहने वाले ने पहले से मुझे तोहफा ये भेज दिया। मेरी ये कायद है, मेरी ये लीडर हैं, तो मेरे लिए ये हैरानकुन बात ये थी कि जो तस्वीर मैं ख़रीदने का सोच रहा था वो पहले से घर पहुँच गई। यकीन माने कि मरियम साहिबा के मेरे से ज़्यादा चाहने वाले इस मुल्क में मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी कायद हैं, लीडर हैं एंड शी इज़ अ राइजिंग स्टार। देखें जी, एक पिक्चर को आप खरीदने का सोचें, और क्योंकि ऐसी तस्वीरें अनमोल होती हैं तो ये पैसों की बात नहीं होती। इंसान तो अपने घर में तस्वीरें, पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स बहुत महंगी खरीदता है, अपने कायद की घर में पेंटिंग लगी हो और साथ में एक अच्छे कॉज के लिए भी वो पैसे जा रहे हैं। मैंने तो ज़्यादा, मैं नहीं जानता रफी पी साहब जो मैडम हैं, तो लेकिन जब मैंने देखा कि उनका एक अच्छा कॉज भी है तो मुझे एक लेने की चाहत भी, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि ये तस्वीर उन्होंने एक अच्छे पैसों में दे दी, मैं तो ज़्यादा महंगी खरीदने की सोच रहा था। फैसल अयूब खोखर साहब का कहना है कि राबी पीरजादा ने सस्ते दामों में दे दी है, हम तो इसे ज़्यादा पैसे दे। आप कितने पैसे देने के लिए तैयार थे? अच्छा, लिटरली ये नहीं कि मुझे यही था कि एक अच्छी आम पेंटिंग भी 4-5 लाख की होती है, तो इन्होंने बनाई भी खूबसूरत है, ये 8-10 लाख की तो ये पेंटिंग होगी, और इतने ज़्यादा एक पिक्चर की कीमत 1 लाख रुपए भी हो, जब इतनी ज़्यादा वायरल हो जाए वो वैसी अनमोल हो जाती है, और कायद की हो तो और ज़्यादा महंगी हो जाती है। सर ये बताएंगे कितने की खरीदी है? मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, मुझे तो क्योंकि तोहफा था मेरा पूछना उसे बनता ही नहीं था, लेकिन मैंने सुना है 1.5-2 लाख में उन्होंने खरीदी और मुझे गिफ्ट की है। सर ये बताएं कि तोहफे आपको बेशुमार मिले होंगे ज़िंदगी में, इससे अच्छा तोहफा कभी मिला या कभी एक्सपेक्ट किया था यार ऐसा तोहफा भी मुझे ज़िंदगी में मिलेगा? अच्छा, यकीन माने कि बात सिर्फ महंगे तोहफे की नहीं होती, बात होती है कि अच्छे तोहफे के साथ साथ उस तोहफे की जो टाइमिंग थी ना, तो यार एक मैंने रात को सोचा और मैंने उसको ना ये जो क्लिप मुझे आया ना, उन्होंने कहा कि फैसल भाई मेरे ख्याल में ये पिक्चर हमारे पास होनी चाहिए, तो मैंने उसको बोला कि ये ना मुझे कल ही पता कराओ कि किसी और के पास ना चली जाए, तो ये मुझे पिक्चर चाहिए। ये पिक्चर चले जाती, अगर चले जाती फिर क्या बनता आपका? माने कोई नई बात नहीं, अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई गाड़ी भी पसंद आ जाती है ऐसे कोई बंदा देखता है तो फिर बंदा उससे भी जाके खरीद लेता है कि यार तू मुझे दे दे। तब आपने इसका पीछा नहीं छोड़ना था? नहीं, अब तो ये खरीदना हमारी चाहत के अलावा हमारी जिद भी थी, हमारे कायद की तस्वीर थी। तो ये बताएं, तस्वीर सामने आपके सामने है जी, कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त? मैं इनकी सादगी, यकीन माने एक हमारा एक कल्चरल, देखें ना कि एक खूबसूरती होती है कि उन्होंने एक खूबसूरती से एक अपने कल्चर को ओढ़ा हुआ है। दिस इज़ नॉट ओनली अ दुपट्टा, देखें ये खूबसूरती होती है, और एक अच्छा दुपट्टा एक गहना होता है एक औरत का, और ख़ास तौर पर हमारे कल्चर में दिस पिक्चर शोज़ ऑल कि हमारी लीडर भी दिखा रही हैं, हमारा कल्चर भी दिखा रही हैं, बनाने वाले ने भी हर चीज़ दी है, क्योंकि मेरी लीडर की और भी बहुत सी तस्वीर होंगी जलसे में, जलूस में, लेकिन देखेंगे ये सादगी में उसने बनाई है तो मुझे खूबसूरत इसलिए भी ज़्यादा लगती है। सर ये बताएं कि आपको लगता है कि ये इन्होंने बेचने के लिए ये स्टेटमेंट दी थी या इसमें ओरिजिनलिटी है कि वाकई ये बिक रही थी? नहीं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जी, किसी भी कायद की दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा तस्वीर और पेंटिंग्स,
असल में आप देखते हैं कि जो भी कोई भी पेंटिंग है ना, पेंटिंग एक से ज़्यादा दूसरी खूबसूरत होती है, तस्वीर भी एक से ज़्यादा दूसरी बेहतर होती है, लेकिन उसकी अहमियत होती है कि वो किसके पास है और किस मौके पे बनाई गई है, किस मौके पे तस्वीर ली गई है, ये चीज़ें उस तस्वीर को या उस पेंटिंग को अनमोल बनाती हैं। सर लास्ट में जो बेसिक क्वेश्चन है जो कि बड़ा गर्दिश कर रहे हैं कि शायद PML ने खुद भेजा है बंदा कि जाके यार परचेज कर ले, कि हमारी शायद कोई लोगों की तरफ रेपुटेशन अच्छी नहीं बन रही, कि क्या आपने कोई ऐसा एकदम उठाया? देखिए जी, रोज़े की हालत है तो मुझे कुछ ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक शख्स ने भी नहीं कहा, मुझे शायद कहा होता तो यकीन माने, खुली बात है, मैं शायद जिद में भी खरीद लेता कि यार मेरे कायद की तस्वीर है ये तो मैंने खरीदनी है। लेकिन बात आती है कि जब मैंने अपनी चाहत से ये चाहत की थी कि यार मैंने ये तस्वीर खरीदी, मेरे कायद की तस्वीर है और है भी इतनी खूबसूरत बनाई गई है और जा भी अच्छे कॉस्ट करी ली है, तो फिर मैंने कहा ये मुझे चाहिए, मुझे किसी ने भी नहीं बोला, ये मेरी अपनी चाहत थी और मेरे ख्याल में दिल को दिल से राह होती, जिस तरह आपने बोला कि ये मेरे घर में पहले से मौजूद थी और मेरे भाई ने मुझे तोहफा कर दिया। हमारे साथ फैसल अयूब खोखर साहब मौजूद थे जिन्होंने, जो कि अब इस पेंटिंग के मालिक हैं, इन्हें तोहफा तन पर मिली है। वो कहते हैं कि मैंने रात वो दिल में ख्वाहिश की थी कि काश ये पेंटिंग मेरे पास मौजूद होती, और ख्वाहिश करना था कि उससे पहले ये घर में मेरे पहुंच चुकी। तो सर आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।